वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एच आर एस पी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, केबी में 11,000 से ज़्यादा पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती। 100 शिक्षकों को पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल पर वीडियो लेक्चर के लिए हुए चयनित। राष्ट्रीय ध्वज से स्कूल बस साफ करने का वीडियो हुआ वायरल। नगर निकाय चुनाव दिसंबर के इस हफ्ते में आ सकती है अधिसूचना। केबीएस में 13,404 पदों पर भर्ती, शिक्षकों के 11,771 पद। मेरठ समाचार पत्र में प्रकाशित यह अपडेट है। शिक्षण में करियर बनाने की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के लिए केंद्रीय विद्यालय में 13,000 पदों पर आवेदन का मौका है। केबी संगठन ने देश के 1,252 केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 13,404 पदों पर नियुक्ति के आवेदन की घोषणा की है। 5 दिसंबर से सभी पदों पर 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्राइमरी शिक्षक टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक संगीत पद पर कुल 11,627 पदों पर आवेदन हो सकेंगे। प्रिंसिपल के 247 और वाइस प्रिंसिपल के 210 पदों पर भी आवेदन होंगे। इन वर्गों में होंगी नियुक्तियां। प्राइमरी शिक्षक के 6,606, टीजीटी के 3,266, पीजीटी के 1,442 एवं प्राइमरी संगीत शिक्षक के 313 पदों पर आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में 11,000 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन जारी। 5 से ऑनलाइन होंगे आवेदन। अंतिम तिथि 26 दिसंबर तक रहेगी। विषयवार इतने रहेंगे पद। टीजीटी में हिंदी के 377, अंग्रेजी के 401, संस्कृत के 245, सामाजिक अध्ययन के 398, गणित विषय के लिए 426, साइंस के 304, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के 435, आर्ट एजुकेशन के 251 पद हैं। पीजीटी में हिंदी के 172, अंग्रेजी के 158, फिजिक्स के 135, केमिस्ट्री के 167, गणित के 184, बायोलॉजी के 151, इतिहास के 63, भूगोल के 70, अर्थशास्त्र के 97, कॉमर्स के 66, कंप्यूटर साइंस के 142 एवं बायोटेक के 4 पद शामिल हैं। लाइब्रेरियन के 366 और फाइनेंस ऑफिसर के 7 पदों सहित अन्य वर्गों के भी आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश लोकल बॉडी इलेक्शन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आ सकती है अधिसूचना। 2 चरणों में निकाय चुनाव की तैयारी। निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी हो सकती है अधिसूचना। आरक्षण सूची दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने की तैयारी। मुख्य सचिव के सामने आरक्षण का हुआ प्रेजेंटेशन। सीएम के सामने प्रेजेंटेशन के बाद सूची जारी की जाएगी। निकाय चुनाव को 2 चरणों में कराने की तैयारी। निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी तक कराने हैं चुनाव। विस्तार से 2017 में यूपी नगर निकाय चुनाव 3 चरणों में कराए गए थे। बताया जा रहा है कि इस बार 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी तक चुनाव करवाने के लिए नगर निकाय चुनाव के लिए भी सभी दल अपनी तैयारियों में अंतिम रूप में जुट गए हैं। नगर निकाय के वार्डों, मेयर और चेयरमैन की आरक्षण सीटों की अंतिम आरक्षण सूची दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। चुनाव के लिए सूचना दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लग सकती है। मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी के सामने आरक्षण का प्रेजेंटेशन हुआ। उन्होंने इसे जल्द फाइनल करने के निर्देश दिए। अब सीएम के सामने प्रेजेंटेशन होना है, जिसके बाद अंतिम आरक्षण जारी हो जाएगा। शहरी निकाय के चुनाव के संबंध में नगर विकास विभाग की तैयारी अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक 2-3 दिसंबर को अंतिम आरक्षण सूची आ सकती है। इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिन्हें सप्ताह भर में निपटाकर अंतिम सूची जारी करके प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सूचना जारी हो सकती है। 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी तक चुनाव करवाने हैं। सूचना जारी होते होते दिसंबर का दूसरा सप्ताह हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 2 चरणों में चुनाव करवाने के विकल्प पर ही विचार कर सकता है। ज़्यादा चरणों में चुनाव होने से ज़्यादा समय लगेगा। 2017 में शहरी निकायों के चुनाव 3 चरणों में हुए थे। राष्ट्रीय ध्वज से स्कूल बस साफ करने का वीडियो हुआ वायरल। हमापुर क्षेत्र के एसएन पब्लिक स्कूल की बस को राष्ट्रीय ध्वज से साफ किए जाने का वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ है। पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वायरल वीडियो में स्कूल बस चालक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज से बस को साफ किया जा रहा था। यह हरकत किसी ने देख ली और वीडियो बना लिया। वीडियो बनाया जाता देख चालक हड़बड़ा गया। उसने राष्ट्रीय ध्वज को वहीं बस पर ही छोड़ दिया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो का ट्विटर पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होते हुए पुलिस तक पहुंच गया।
जिसे पुलिस ने संज्ञान में लिया। पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का वीडियो को गंभीरता से लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है। कोतवाली प्रभारी राम सिंह मौर्य ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय ध्वज के आरोपी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 100 शिक्षकों को पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले वीडियो लेक्चर के लिए चयनित। प्रदेश के 100 शिक्षकों को पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले वीडियो लेक्चर के लिए चुना गया है। इनमें से 3 आगरा के हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT वीडियो लेक्चर तैयार कराने से पहले उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट प्राचार्य डॉक्टर IPS सोलंकी जी ने बताया कि इसके लिए लखनऊ के उद्यमता विकास संस्थान में डायरेक्ट टू होम DTS चैनलों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों का अनुमुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 3 शिक्षकों का चयन हुआ है। इसमें डायट प्रवक्ता रसायन विज्ञान डॉक्टर मनोज कुमार वार्षणेय के साथ शमशाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला सूरजभान कंपोजिट के सहायक शिक्षक विकास मौर्य और खेरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कागारावल प्रथम के सहायक शिक्षक सतपाल सिंह साहब शामिल हैं। प्रशिक्षण सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। यह है उद्देश्य। COVID-19 के कारण विद्यालय करीब 2 वर्ष तक बंद रहे, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। खासकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में अवरोध आए, जिसे देखते हुए बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा की पहुँच का एक लचीला तंत्र तैयार करने के लिए पीएम ई विद्या 1+1 चैनल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें चैनल की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 तय कर दी गई। सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रदेश की भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह है योजना। उक्त चैनलों पर कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित उत्कृष्ट गुणवत्ता की शिक्षण सामग्री का प्रसारण 24 घंटे 7 दिन DTH चैनलों पर किया जाएगा। साथ ही साप्ताहिक रूप से विद्यार्थी